जय हिंद आप सभी का फिर से स्वागत है फोर ग्रेडिव स्टडीज़ के एक नए एपिसोड में आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं बी एच आई सी वन जीरो फाइव के लिए प्रीवियसर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के ऋषिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यानपूर्वक सुनिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है तो इस सेशन को ज़रूर अंतिम तक देखिएगा ठीक है और इस सेशन के माध्यम से हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं उसके बारे में पहले देख लेते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं ज़्यादातर और किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग को किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने चाहिए और हम लोग को कैसी तैयारी करनी चाहिए ठीक है इन तमाम चीज़ों के आज के सेशन में हम लोग समझेंगे समझेंगे डिटेल से चर्चा करेंगे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर जो रिसेंटली एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को लाया हूँ ताकि इसके माध्यम से इसके जरिए इसको दिखा के इसको समझा के मैं आपको बता पाऊँ कि क्या क्या कैसे 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 होता है कहाँ से क्या पूछे जाते हैं आपको किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है इन तमाम चीज़ों को एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं सेशन को आगे बढ़ाते हैं और एक रिक्वेस्ट भी है अगर आप लोग में से चैनल में पहली बार आए हैं कोई और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक बात और एक भी रिक्वेस्ट है अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा ठीक है अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा इससे क्या होगा हमें भी पता चलेगा कि नहीं हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी है आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है और YouTube रिकमेंडेड करेगा इस तरह से है ना आपको अच्छा लगेगा फायदेमंद होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा अगर ना लगे अगर लगे कि नहीं लाइक लाइक नहीं है लाइक के जो है ना नहीं है तो ये डिसलाइक भी जरूर कर सकते हैं आपके पास दोनों ऑप्शन है फ्री में है कुछ तो करके जाइए है ना तो ये जरूर कीजिएगा लाइक या डिसलाइक दोनों बनता है आपके पास ओके तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहली बात इस सब्जेक्ट का नाम देखते हैं भारत का इतिहास थर्ड पार्ट का ये ठीक है भारत का इतिहास थर्ड पार्ट का है और इसमें लगभग दिया गया है 750 से 1200 सौ छः ईस्वी तक का दिया गया है ठीक है तो इसमें आपको दिया गया है तो देखिए इसमें एक सौ अंकों का प्रश्न पूछे जाते हैं और तीन घंटे का समय दिया जाता है और जैसे कि मैं हर सेशन में बताता हूँ इस सेशन में भी बताना उचित समझता हूँ क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी होता है वो क्या है कि आप जैसे ही एग्जाम हॉल में जाओगे आपके पास क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिले ना तो सबसे पहले आपको ये नोट पढ़ना है नोट में क्या दिया गया है हर सब्जेक्ट में सिर्फ यही सब्जेक्ट में नहीं सभी के सभी सब्जेक्ट में जो है ना ऐसा देखना है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है आपके सीनियर जो है उसको रटा दिया है कि जाना भाई पांच क्वेश्चन बना के लेके आ जाना ठीक है देखिए इसमें भी वही है कि पांच प्रश्न के उत्तर देने हैं लगभग चार शब्दों में लेकिन प्रत्येक खंड में कम से कम दो प्रश्न अनिवार्य बनाना अनिवार्य है कोई कोई सब्जेक्ट में होता क्या है आपको उसमें कह देगा कि पहला प्रश्न जो अनिवार्य रूप से बनाना ही होगा तो आप वो मिस्टेक करके आ जाओगे आपका पहला क्वेश्चन ही छोड़ के दूसरा सेकंड बना सकते हो तो ये कदापि गलती ना करना ठीक है ये गलती कर लोगे ना तो आने के बाद पछताओगे आप ही इसलिए मैं बार बार फोर्स करता हूँ फोकस फोकस करता हूँ इन तमाम चीजों पर ये छोटी छोटी बातें एक बड़ी गंभीर समस्याएं बन सकती है ठीक है तो इन तमाम चीजों को ध्यान देना है तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं उसके बाद आगे की प्रक्रिया जैसे मैंने शुरुआत में बताया तो उसको भी चर्चा करेंगे ठीक है तो सबसे पहली बात देखिए पहला क्वेश्चन है पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन में इतिवृत्त या वंशावलियों के महत्व पर एक लेख लिखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है है ना और कहता है राष्ट्रकूट राष्ट्र व्यवस्था के स्वरूप की चर्चा कीजिए राष्ट्रकूट राज्य व्यवस्था के स्वरूप की चर्चा कीजिए इसके रूपरेखा को बताना है देखिए अभी तक मैंने दो क्वेश्चन बताया हैं, ठीक है थीके? अब हम लोग एक बात चर्चा करते हैं आपको करना क्या है मैंने ना क्या किया है ये तो प्रीवियस के क्वेश्चन है मैंने आपके पूरे के पूरे बुक से स्टडी मटेरियल से जितने भी ए, इस सब्जेक्ट के हैं ना सारे चैप्टर से मैंने एक सेशन अपलोड कर रखा है एक ही सेशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें जैसे यूनिट वन में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर ले लिया है सेकेंड यूनिट में जो भी है उसको ले लिया है थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी आपके यूनिट्स हैं चैप्टर्स हैं उन तमाम चैप्टरों में से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले थे इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे सकते हैं इनको मैंने एक सेशन में अपलोड कर रखा है तो आपको एक सेशन में ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा और अगर वो सेशन देख लेते हैं और वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन मतलब एग्जाम हॉल में आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा ये सबके सब क्वेश्चन सब आपको वहां मिल जाएगा और ये एग्जाम होने से पहले मैंने अपलोड कर रखा था तो ये इंपॉर्टेंट होगा वो सेशन भी देख लीजिएगा सिर्फ बी एच आई एक सौ पाँच का ही नहीं बाकी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अलेवन टेंथ अलेवंथ ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन तक आपका कोर्स रहेगा ये बी एच आई वन थर्टी का जो है कोर्स सारे के सारे सेशन अपलोड है तो वो सब के सब इंपॉर्टेंट है उसको जरूर देख लीजिएगा ठीक है वो अगर कवर कर लेते तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा ओके तो चलिए आगे इसको भी देख लेते हैं है ना कहा जाता है तुर्की आक्रमण के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों की चर्चा कीजिए ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो तुर्की आक्रमण आप कोई भी एग्जाम में जाते हो ना अगर आपके सिलेबस में ये दिया रहेगा तुर्की आक्रमण तो उससे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं ठीक है तो इसको ध्यान रखना है और कार्य निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं दो शब्दों में तो इसको भी ध्यान रखना है ये शॉर्ट नोट्स में पूछे जाएंगे दस अंकों के कल्याण के चालू के क्या थे उसके बाद मंदिर स्थापत्य कला ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है पाल और आसाम के राज्यों की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी इसके बारे में स्किप नहीं करना है और वंश आधारित राज्य है ठीक है ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है भाग दो में देखते हैं इसमें क्या दिया गया है दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा के विकास की चर्चा कीजिए ठीक है ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसके बाद कहता है चोल नौसैनिक अभियानों की एक महत्वपूर्ण चर्चा कीजिए ओके तो उसके बाद ये भी चोल नौसैनिक जो, जो काफी इंपॉर्टेंट है रिपीट करता भी है और इसके साथ साथ आप जो है ना क्या कर सकते हो आप जो रिसेंट में अपडेट हुआ है ना असाइनमेंट के क्वेश्चन उसके जो एग्जाम हुई है उसको भी देख सकते हो क्योंकि आपने बना के दिया है सबमिट किया है तो उसको भी देख लीजिएगा उससे हर साल हर सेशन में हर सब्जेक्ट में जो एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप देख सकते हो आप कभी ना कभी एग्जाम तो दिए ही होंगे क्या कि 105 सौ 105 पाँच के आप वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले आप एग्जाम दे चुके हो एक भी फर्स्ट ईयर के दे चुके होंगे है ना तो आप देख लग, देख सकते हो आइडिया बना सकते हो कि असाइनमेंट के क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसको इग्नोर मत करना ये आपके लिए ही है आप पढ़ोगे फिर भी आपके लिए ही नहीं पढ़ोगे तो फिर भी आपका ही है मेरा क्या है मुझे मेरा काम है मैं मैं आपको समझाऊ क्या क्या करना है ठीक है तो मैंने वो किया है वो बताया है अब आपको उतना फोकस करना ही होगा खुद के लिए और किसी करके किसी के लिए नहीं खुद के लिए ही करना पड़ेगा ठीक है तो अगला सवाल कहा जाता है कि फिर शॉर्ट नोट में पूछे जा रहे हैं कहा जाता है कि लंबी दूरी का समुद्री व्यापार लंबी दूरी का समुद्री व्यापार इसके बारे में भी आपको देख लेना है उसके बाद श्रेणिया उसके वीर सेवाद है ना वीर सेवाद के बाद संस्कृति काव्य साहित्य ये सब क्वेश्चन आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए थे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप देख सकते हो है ना ये सब क्वेश्चन आपको जैसे मैंने बताया तो इस सेशन में उसको में देखने को मिल जाएगा आपको वो इतना ही आठ सवाल पूछे जाते हैं है ना वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिएगा ठीक है और जैसे मैंने बताया आपको क्या क्या, क्या 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 करना है वो सेशन देखने के बाद जितने क्वेश्चन मैंने बताया उसको देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन आप एक बार रिविजन कर लीजिएगा रिविजन के साथ साथ आप क्या करना है रिसन में जो आप असाइनमेंट सबमिट की हो ना उसका क्वेश्चन पेपर होगा ही सॉल्व होगा ही अगर नहीं भी है तो अपना टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है वहाँ पे पोस्ट है तो वहां पे भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो पढ़ के जरूर जाइएगा ठीक है इतना तो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त करना ही पड़ेगा है ना तो इतना कर लीजिए सफिशियंट रहेगा काफ़ी रहेगा ओके तो आज के सेशन में बस यही मेरा उद्देश्य था कि आप सबों को मैं इसका सिलेबस के बारे में बताऊं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं कैसे कैसे क्या करना है उन तमाम चीज़ों पर मैंने जो चर्चा की उसके बारे में बताया ठीक है तो आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ होगा और एक रिक्वेस्ट भी है जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेलाइकन को जरूर हिट करें सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए कॉमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो या किसी और प्रकार के किसी और सब्जेक्ट की इस तरह से सेशन चाहिए तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चलिए मिलते हम लोग नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद